अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों के बिना हिंदुत्व नहीं है के बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। काले बाल सफेद होते देखे हैं, लेकिन पहली बार परावर्तन देख रहा हूं। हेडगेवार ने 90 साल तक हिंदुत्व की बात की और अब संघ प्रमुख कह रहे हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व नहीं है। हो सकता है आने वाले 9 सालों में वे यह भी कह देंगे मुसलमान ही राष्ट्रीय हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने राम मंदिर बनाने का वादा किया था, इतने बरसों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आए, अयोध्या से दिल्ली तक भाजपा का शासन, फिर भी राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। मोदी के डबल स्टैंडर्ड हैं। एससी एसटी कानून की बात आती है तो मोदी कहते हैं संसद निर्णय करेगी, और राम मंदिर की बात आती है तो कहते हैं कि कोर्ट निर्णय करेगा। हम अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर 21 अक्टूबर को लखनऊ से अयोध्या कूच करेंगे। हमारी मांग है कि राम मंदिर बनाने के लिए संसद में कानून लाया जाए, किसानों का कर्ज माफ हो और पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। 32 वर्षों से 1984 से आरएसएस बीजेपी वीएचपी ऊपर से नीचे तक सभी कार्यकर्ता की एक ही मांग थी, संसद में राम मंदिर का कानून बने और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आने के बाद संसद में राम मंदिर का कानून बनेगा। और यही वादा के लिए अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकाली। 32 साल में एक भी व्यक्ति और नेता ने राम मंदिर के लिए कोर्ट की राह देखेंगे ऐसा नहीं कहा था। मैं भी उनमें से एक था। आज 32 वर्षों के बाद जब 4 वर्षों से पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब संसद में राम मंदिर का कानून क्यों नहीं बनाया? एससी एसटी कानून की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं कोर्ट नहीं, संसद निर्णय करेगी। और राम मंदिर की बात आती है तो वही मोदी जी पलट जाते हैं, कहते हैं संसद नहीं कोर्ट निर्णय करेगी।